हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यूनिक स्टार क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे गोली दर्पण के बारे में। इसे हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। और ध्यान देंगे, गोली दर्पण जो होते हैं वो किसी गोली कोष को काट करके बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से इनका परावर्तक सतह जो तो होता है दोस्तों वो गोल होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, दर्पण जो होते हैं, दर्पण से हम लोग प्रकाश का परावर्तन कर पाते हैं। और प्रकाश का परावर्तन तभी होगा जब दर्पण की एक ओर हम लोगों ने कहीं ना कहीं पॉलिश किया हो या कलई किया हो। और वो किस पदार्थ का करते हैं दोस्तों, तो आप याद रखिएगा AgNO3 का, यानी सिल्वर नाइट्राइड का करते हैं। इस वजह से ध्यान देंगे, हमारे जो गोली दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक उत्तल दर्पण, इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, और एक हमारा होता है अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं कॉन्केव मिरर। ध्यान देंगे, उत्तल दर्पण हम लोग क्या करते हैं, अंदर की तरफ जो हमारा धसा हुआ भाग है इस पर हम लोग क्या करते हैं, कलई करते हैं दोस्तों, जिसकी वजह से जो परावर्तन होता है हमारा वो उभरे सतह से हो पाता है। और एक चीज, जब उभरे सतह से होगा तो प्रकाश की किरणें जो होंगी दोस्तों फैल जाती हैं, जिसकी वजह से इस दर्पण को हम लोग बोलते हैं अपसारी दर्पण। और ये किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की भांति, सॉरी अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जबकि जस्ट इसके अवतल दर्पण की अगर बात करूं, तो अवतल दर्पण जान देंगे जो उभरा हुआ भाग होता है इस पर हम लोग कहना की पॉलिश करते हैं, जिसके वजह से जो परावर्तन होता है प्रकाश का वो अंदर की ओर जो दसा हुआ या दबा हुआ भाग होता है वहां से हो पाता है। और एक चीज, ये प्रकाश की किरणों को करता क्या है दोस्तों, अपने मुख्य फोकस पर या फोकस बिंदु पर एकत्रित करता है, जिसकी वजह से ध्यान देंगे इसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी दर्पण। अभिसारी का मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरणों को, जो दूर से प्रकाश की किरणें आती हैं उनको इकट्ठा करता है या एकत्रित करता है, जिसके वजह से इसे हम लोग बोलते हैं अभिसारी दर्पण। और ये किस लेंस की भांति व्यवहार करता है, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। दोस्तों, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ध्यान देंगे, ये गोली दर्पण जो हमारा जो है, इस गोली दर्पण से कहीं ना कहीं हम लोगों ने अवतल दर्पण प्राप्त किया है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, तो ये जो हमारा दर्पण का द्वारक है M1 और M2, हमने जो लिया है अवतल दर्पण, ये किसी ना किसी गोली कोष को काट करके बनाया गया होगा, जिसकी वजह से इस गोली कोष का जो केंद्र होगा दोस्तों वो हमारा कहलाता है वक्रता केंद्र। और एक चीज, इस दर्पण जो हम लोगों ने लिया है अवतल दर्पण M1 और M2, इसका एक केंद्र होता है या मध्य बिंदु होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव, यानी इसे हम लोग P से दिखाते हैं दोस्तों। और इस ध्रुव से इस वक्रता केंद्र की बीच की दूरी जो होती है इसे हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, और इसे हम लोग स्मॉल r से दर्शाते हैं। और एक चीज, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी जो है, इसको अगर क्या करूं मैं, इन दोनों को मिलाते हुए अगर मैं एक रेखा खींच दूं, तो यह रेखा जो होगी वो मुख्य अक्ष कहलाती है। और एक चीज याद रखिएगा कि अगर मैं मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणों को अगर मैं डालूंगा, तो कहां पर एकत्रित होंगी, इसके फोकस बिंदु पर, यानी मुख्य फोकस पर एकत्रित होगी। और F से इसे हम लोग दिखाते दर्शाते हैं, और इस फोकस बिंदु से ध्रुव के बीच की जो दूरी होगी इसे हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। और याद रखिएगा, फोकस दूरी जो होती है सदैव, याद रखिएगा, इस R की आधी होती है। R का मतलब ये हुआ कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी हमारी कहलाती थी वक्रता त्रिज्या, और यानी हमारी फोकस दूरी जो होगी वो वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। या फिर आप कह सकते हैं सर कि वक्रता त्रिज्या जो होती है वो, अगर मैं फोकस दूरी का अगर मैं क्या कर दूं, दोगुना कर दूं, तो आपको मिल जाएगी वक्रता त्रिज्या। दोस्तों, अवतल और उत्तल दर्पण के प्रतिबिंबों के बनने की स्थिति से पूर्व कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। दोस्तों, अगर हम लोग कोई दर्पण अगर ले रहे हैं, तो हमारे मुख्य अक्ष के समांतर में प्रकाश किरणों को डालता हूं, तो कहां से अगर गुजरेगी, याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर में प्रकाश किरणों को डालूं, तो याद रखिएगा इसके मुख्य फोकस से अगर गुजरेगी, यानी फोकस बिंदु, यानी F से अगर गुजरती है। अगर किसी प्रकाश किरणों को मैं इसके मुख्य फोकस पर डालूं या फोकस बिंदु पर डालूं, तो ध्यान देंगे परावर्तन के पश्चात ध्यान देंगे ये प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। दोस्तों, अगर मैं क्या करूं, वक्रता केंद्र पर अगर मैं कहने की प्रकाश किरणों को डालूंगा, ध्यान देंगे जिस मार्ग से जाएगी उसी मार्ग से क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। दोस्तों, आज क्लास में बस इतना ही, बाकी की चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इतना नोट्स आप लोग बनाते चलेंगे, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोग की चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आप लोग को नहीं समझ आती दोस्तों, तो कुछ अगर आप लोगों के डाउट्स होंगे या कुछ क्वेश्चन होंगे, तो आप कमेंट के माध्यम से दोस्तों हमसे पूछ सकते हैं, आपको उत्तर अवश्य मिलेगा। ओके दोस्तों।